राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। महेश जोशी ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनने का दावा किया। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने महेश जोशी से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं उत्साह है तो कहीं निराशा का माहौल है। कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित दिख रही है। मेरे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन पार्टी की परफॉर्मेंस की इन्हें बहुत बेहतर उम्मीद है। लग क्या रहा महेश जी, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं ज़्यादातर तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं लेकिन कांग्रेस की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, एग्जिट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल हो, इसमें किसी का कुछ स्टैक दाव पर नहीं लगा होता। जवानी जमा खर्च होता है, आपने दिया, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। इतिहास गवाह इस बात का कि एग्जिट पोल बहुत बड़ी संख्या में गलत साबित होते आए हैं। कहीं कहीं कोई सत्यता के आसपास होते हैं लेकिन आम तौर पर गलत साबित होते हैं। उसी हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, और जो परफॉर्मेंस कांग्रेस ने दिखाई है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो काम हैं और सरकार के जो काम हैं उनको लेकर जो उत्साह बना है, मैं उस उत्साह के हिसाब से कह सकता हूँ कि ये जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है ये भी उन कामों की वजह से बढ़ा है। लोगों को लगा कि यार हम वोट देने नहीं जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को लगा तो ओपीएस बंद हो जाएगी, लोगों को लगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये चालू रहेगी कि नहीं रहेगी, लोगों को लगा, महिलाओं को लगा कि मोबाइल फ़ोन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लोगों को लगा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना ये चालू रहेगी कि नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो राइट टू लिव जो एक जो कंसेप्ट दिया है कि सबको हर हाथ को काम मिले और काम नहीं मिले तो उसको उसके एवज में एक भुगतान किया जाए सरकार की तरफ से कम मिनिमम वेज जो है वो एक सीमा तक हर व्यक्ति को मिले। युवाओं को लगा इतनी बड़ी संख्या में रोजगार जो दिया है, इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां दी हैं, उन नौकरियों का क्या होगा जो अभी भी पाइपलाइन में कुछ चल रही हैं, तो ये सारी बातों के कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और मेरा आकलन है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कांग्रेस को लाभ हुआ है। जो ध्रुवीकरण का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने और उनके गृह मंत्री जी ने जो खेलने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ जी को भी यहाँ लेकर आए, यहाँ प्रचार योगी आदित्यनाथ जी से शुरू करवाया, समाप्त उन पर करवाया, तो बहुत तमाम बातें जो उन्होंने करने की कोशिश करी लेकिन जनता ने उन सारी बातों को नकारा है। शानदार तरीके से पोलिंग करी है और पूर्ण स्पष्ट बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है, इस बात की हमें आशा है। ये तो महेश जोशी जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सूबे में फिर से सरकार बनने जा रही है और जयपुर की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।